तो चलो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट वायलेंट मैन यानी सलार के बारे में। तो भाई कह सकते हो कि इस टाइम पे ना पोस्टपोन वाला खेल चल रहा है। पहले तो मैंने आज सुबह ही मैंने टाइगर 3 का वीडियो बनाया, जाके देख लेना, उधर पे भी पोस्टपोन सीन है। टाइगर 3 पोस्टपोन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कंप्लीट बात कर रखा है कि एक्चुअली में सीन क्या है, देख लेना आई बटन पे आ रहा होगा। तो अभी ना उसको रिलेटेड यहाँ पे भी वही से निकल के आ रहा है, और ये जो चीजें है पोस्टपोन वाला, ये लिंक्ड है टाइगर 3 से। तो जब से सलार ने 28 ऑफ सितंबर के इस डेट को छोड़ा है, उसके बाद से जिस मंथ को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है वो है नवंबर का महीना यानी दिवाली 2023 को। ये न्यूज तो हम सभी को बता कि अब सलार ने जो एक बहुत ही बड़ी मूवी को पोस्टपोन करवा दिया है, और अब उस मूवी का डेट जो है सलार लेने वाला, और वो मूवी अब इस साल से पोस्टपोन होते हुए अगले साल 2024 में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो मूवी कौन सा है, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही उस मूवी का जिक्र किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को लास्ट तक देखो क्या सीन है और एक्चुअली में क्या ये होने वाला है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि सलार जो है एक बहुत ही बड़े मूवी को पोस्टपोन करवा चुका है, अपडेट के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि अब वो मूवी जो है इस साल के नवंबर के महीने में नहीं आने वाला, और वो अब पोस्टपोन हो रहा है सीधा अगले साल। इसी साल के अंदर नहीं भाई, अगले साल किसको पोस्टपोन करवा दिया गया, और वो है सलमान भाई का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी वायरल यूनिवर्स का सेकेंड कॉन्टेंट यानी टाइगर 3, जो कि पहले से शेड्यूल है 2023 के दिवाली नवंबर के महीने में। 10 नवंबर तो कहा जा रहा है, शायद 10 का यहाँ पे 15 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन जितना मुझे पता है कि टाइगर 3 10 नवंबर को ही आएगा 2023 में। ये एकदम फाइनल है, नवंबर तो फाइनल है ही, अभी तारीख शायद इधर उधर हो सकता है, फिलहाल ये लोग रीशूट करे उसके वजह से, तो वो वाला वीडियो देख लेना आप लोग, क्लियर हो जाओगे। तो इस टाइम पे ये चीज कहना कि सलार इसको पोस्टपोन करवा चुका है, और अब सलार 10 तारीख का यानी टाइगर 3 का जो रिलीज डेट है उसको अब सलार लेने वाला है, ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इन बातों ये बातें अभी चल तो रहा है, न्यूज चल तो रहा है, ये कह सकते एक तरह से रूमर्स अपडेट चल रहे हैं। सलार टाइगर 3 ये पहले से ही बहुत हाइप मूवी है, इनका पहले से एक अलग लेवल का फैंडम है, अलग लेवल का फैन बेस है। तो भाई इन चीजों के वजह से इस मूवी का चीजें अभी चल रहा है। जैसे टाइगर 3 का कुछ भी अभी तक नहीं आया, सलार का एक अनाउंसमेंट टीजर आया था, अभी तक उसका ट्रेलर आना बाकी है, गाने आने बाकी है, टाइगर 3 के भी उस तरीके से टीजर आना बाकी है, ट्रेलर आना बाकी है, गाने आने बाकी है, पोस्टर्स आने बाकी है। तो ये दोनों मूवी अपने आप में एक अलग ही लेवल है, और अगर ये दोनों एक साथ क्लैश करते हैं तो भाई साहब भयंकर क्लैश होगा इस साल का, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा भयंकर क्लैश होगा अगर ये दोनों एक साथ आते हैं। अगर मेकर्स प्लान कर भी रहे कि 10 तारीख को ही इसको रिलीज करेंगे, 12 तारीख को इसको रिलीज करेंगे, 15 तारीख को, 20 तारीख को भी रिलीज करेंगे, तब भी ये टाइगर 3 के साथ क्लैश तो होगा ही, या आगे पीछे हो लेकिन क्लैश तो होगा ही। और अगर एक साथ क्लैश करने की सोच रहे तो भाई साहब दोनों मूवी के लिए थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, क्योंकि सलार भी एक काफी बड़ा मूवी है, टाइगर 3 तो भाई साहब उसको तो मतलब कोई इस टाइम पे हाथ ही नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल अंगार वाला मूवी है। तो ये दोनों ही मूवी इस टाइम पे काफी ज्यादा हाइप में है, तो ये चीज कहना गलत होगा कि टाइगर 3 को ये पोस्टपोन करवाएगा और उसके डेट को सलार यहाँ पे लेने वाला है और वो अब पोस्टपोन होगा, ये बिल्कुल गलत है। और ये न्यूज अगर आप लोग कहीं पे सुन रहे हो तो भाई ये रूमर्ड है, इसका कोई भी ऑफिशियल न्यूज से तो कोई लेना देना ही नहीं है, और अगर रूमर्ड की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता ऐसा भी कुछ होगा। तो ये न्यूज एकदम ही बेकार है, और भाई साहब टाइगर 3 उसी डेट पे आएगा। हाँ, अब अगर सलार के मेकर्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद उसके इर्द गिर्द यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, जैसे नवंबर के लास्ट में रिलीज कर सकते हैं, 20-25 के अंदर, 15 के अंदर, या तो टाइगर 3 के साथ एक साथ क्लैश करके भी रिलीज कर सकते हैं, भी मुझे लगता नहीं करेंगे, लेकिन अगर करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन टाइगर 3 ये नहीं जाने वाला, ये दिवाली में ही आएगा, ये गारंटीड है, अभी तो फिलहाल एकदम श्योर गारंटी, कोई भी 2024 में नहीं जाएगा, कोई भी क्रिसमस में रिलीज नहीं है, ये दिवाली में ही आएगा, और शायद डेट इधर उधर हो सकता है लेकिन मंथ तो यही है। तो अगर सलार की बात करें तो मैं ये पहले भी कहता था, अब भी कहूंगा कि सलार एक बहुत ही बड़ा मूवी है और ये डिजर्व करता है एक सोलो रिलीज का, जिससे कि अच्छा खासा बिजनेस कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मूवी के सामने आएगा तो कलेक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कर सकता था एकदम अंगार लेवल पे वो तो नहीं होगा ना, वो तो रुक जाएगा ना, हिंदी के अंदर उस लेवल पर नहीं होगा जितना होना चाहिए। टाइगर 3 को भी इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी इफेक्ट पड़ेगा, तो मुझे लगता है इतना बड़े बड़े मूवीज एक साथ तो क्लैश नहीं करना चाहिए, अभी देखेंगे मेकर्स क्या करेंगे। लेकिन भाई प्रवास के लिए बहुत बड़ा मूवी ये है, अगर ये भी उतना लेवल पे नहीं चलता तो भाई प्रवास के करियर के लिए बहुत नुकसानदायक, क्योंकि भाई फ्लॉप पे फ्लॉप देते आ रहे हैं महाशय, अगर ये मूवी फ्लॉप देते तो भाई अलग लेवल, मुझे लगता नहीं, क्योंकि प्रशांत नील सर का ब्रांड है और मैं उनका भाई एकदम मतलब क्या कहे,
पत्थर का लकीर वाला फैन हूँ प्रशांत नीलसर का मैं, आप लोगों को बताइए अगर आप लोग मेरे को पहले से फॉलो करते हो। तो जो भी हो तो देखते आने वाले टाइम में क्या होता है इन दोनों मूवीज में से, बाकी ये जो न्यूज है ये अफवाह है ये जान लो। तो आज के लिए इतना ही, मेरे को कुछ भी न्यूज मिलता है सबसे पहले आपको दूंगा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा न्यूज जानने के लिए टाइगर 3 हो सलार हो या फिर कोई भी मूवी हो मुझे सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई से सपोर्ट करो। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।